हेलो एवरीवन, आई एम राहुल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। और साल का लास्ट डे है आज, 2022 ख़त्म होने को है, 2023 आने वाला है। इस साल की बहुत सारी मेमोरीज रही, बहुत सारे कष्ट भी रहे हैं ट्रेनिंग में। और चलो, मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था टाइम टू टाइम, बहुत कुछ बनाना चाह रहा था, लेकिन देखो अब एक बार इंटरनल एग्ज़ाम या यहाँ की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यूनिफॉर्म में मैं ज़्यादा नहीं वीडियो डालता, न के बराबर डालता, वहाँ शायद यूनिफॉर्म में पहला वीडियो है मेरा। और रीज़न है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं और प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी चाहिए, वीडियोज़ डालना और आम से मनुष्य वगैरह के साथ मना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वी मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस एकेडमी। चलो ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन लिया करता था, जो भी ख़राब हैबिट हैं या जो कुछ भी इनकलकेट करना चाहते हैं नए ईयर्स में, नए साल में, जिससे कि हमारा लाइफ थोड़ा आसान हो, कुछ सही आदतें इनकलकेट किया जाए हमारे अंदर, इसलिए एक रेजोल्यूशन लिया करता था पहले। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जब सही लगे यार उसी समय ले लो रेजोल्यूशन, देर इज़ नो नीड टू वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ द ईयर और द फर्स्ट डे ऑफ द एनी ईयर। सो कुछ एक सेंटेंस, एक बहुत अच्छा पोएट्री है, पोएट बोलो या पोएम बोलो या जो भी बोलो, 2022 के इस अंतिम दिन में कुछ लोगों का धन्यवाद। जैसे धन्यवाद उन सब का जिन्होंने मुझे प्यार किया, उन्होंने मेरा हृदय विशाल किया। धन्यवाद उन सब का जिन्होंने मेरी चिंता की, उन्होंने अनुभव कराया कि वे वास्तव में मेरा ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन्हें भी जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा, उन्होंने मुझे एहसास कराया कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद उन्हें भी जो मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे वैसा बनाया जैसा आज मैं हूँ। धन्यवाद उनका भी जिन्होंने मुझसे नफरत किया, सोचो क्यों पॉजिटिविटी है यार, जिन्होंने मुझसे नफरत किया उन्होंने मेरा आत्मबल बढ़ाया। धन्यवाद उनका भी जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, उन्होंने अपने और पराये की पहचान कराई। फिर से, धन्यवाद उन सब का जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मुझे परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। आप सभी का मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। और लिटरली आप लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं YouTube के जरिए, बिल्कुल आप मेरे फैमिली की तरह हैं। और लाइफ का जर्नी, एक्चुअली मेरे चैनल का नाम ही है टाइमलाइन विथ राहुल, टाइमलाइन विथ ईआर राहुल। तो टाइमलाइन मींस होता ही है कि समय के साथ जैसे मेरे लाइफ में जो कुछ भी अनुभव आते रहेंगे, जो कुछ भी मेरे साथ होता रहेगा, तो वो मैं टाइमलाइन के थ्रू डालते ही रहूँगा। बीच बीच में थोड़े इशूज़ हो रहे हैं, बट विल मैनेज, जब यहाँ से क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली विल मैनेज। और सी बात है, वर्ष 2022 के सारे अनुभव वर्ष 2023 में आपके लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करें, और ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आई मीन 1 जनवरी 2023। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। एंड इट्स नॉट अबाउट पढ़ना, अ स्किल डेवलप करो, नई चीज़ों को सीखो। डेफिनेटली देर इज़ अ हंट फॉर ए जॉब, एंड सच्चाई है कि आप हर किसी को एक जॉब चाहिए होता है, उसके बाद ही सेटलमेंट होती है। बट आप साइड से स्किल डेवलपमेंट का काम करो, वो उससे बड़ा कुछ है नहीं, मैं इस पर भी बात करूँगा कभी। तो चलिए, आपका दिन सुखमय हो, आपका साल सुखमय हो, बहुत अच्छा साल रहे आपके लिए, बहुत गुड न्यूज़ आए, ये मेरी दिल से इच्छा है। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और हाँ, एक बहुत लोग थे पूछ रहे थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, यार देखता हूँ उसके बारे में वीडियोस बनाऊँगा, बट सिंपल है, सेल्फ स्टडी करो, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। बेसिक बुक वगैरह के लिए कुछ कुछ मैंने बता रखे हैं, वही पढ़ो।